ये जो हमारी फिल्म है सेल्फी, ये हमने बड़े प्यार से हमारे फैंस के लिए बनाई है। फैंस हैं तो आज हम हैं। अक्षय कुमार की नई फिल्म सेल्फी में बॉयकॉट बॉलीवुड का जिक्र है। खिलाड़ी कुमार के खिलाफ इमरान हाशमी ने खोले नए मोर्चे। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। मैं खुशी और आप देख रहे हैं समझा इंडिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म सेल्फी जो आजकल खूब चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी सामने आया था जिसे लोगों ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया। इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद लोग इस मूवी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। इसी बीच अक्षय कुमार की मूवी सेल्फी का एक और ट्रेलर सामने आया है जिसे देखकर लोग आश्चर्य में भी हैं तो साथ ही साथ काफ़ी रिएक्शन भी दे रहे हैं। बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म की ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। ट्रेलर में जहां इमरान हाशमी एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आ रहे हैं तो वहीं अक्षय कुमार इस फिल्म में एक फिल्म स्टार के रोल में है। अक्षय कुमार ने मूवी का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि आम आदमी की कहानी तो बहुत सुन ली, अब विजय वर्मा की भी सुन लीजिए। वहीं इस ट्रेलर के एक सीन में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। सोशल मीडिया पर लोग इस सीन का खूब चर्चा भी कर रहे हैं और वो है बॉयकॉट बॉलीवुड। दरअसल सेल्फी फिल्म की शुरुआत में एक न्यूज़ रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है कि आरटीओ ऑफिसर ओम प्रकाश ने एक सुपरस्टार की उसकी जगह दिखा दी है। मैं कहता हूं कि इस सुपरस्टार को बैन कर देना चाहिए। हैशटैग बॉयकॉट विजय कुमार, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। ट्रेलर के सीन में लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे रियल लाइफ में भी इन दिनों ट्विटर पर बॉयकॉट बॉलीवुड लगातार ट्रेंड कर रहा है। कई मूवीज अब तक इसके चपेट में आ चुकी है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार की कई फिल्म का नाम भी शामिल है। So we got the second trailer. Why not one of you come here and release the trailer? लेकिन जब से ये फिल्म का ट्रेलर सामने आया है सबका ध्यान इस मूवी की तरफ ही है। इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। धन्यवाद।